नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा टिप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, लंबे बालों के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ब्राह्मणी, जटामांसी, आंवला और भृंगराज को मिलाकर पीस लें और इसका रस निकालें और इससे सिर की मालिश करें। ऐसा नियमित करने से बाल लंबे और घने होते हैं। नंबर दो, अरंडी का तेल बालों को लंबा और घना करने में सबसे ज्यादा मददगार होता है। बालों पर नियमित अरंडी का तेल लगाने से बाल दोगुनी तेजी से लंबे होते हैं। नंबर तीन, नहाने से पहले बेसन में चुटकी भर हल्दी पाउडर और कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे बॉडी पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे डेड स्किन निकल जाती है और स्किन चमक उठती है। नंबर चार, अपच, गैस, कब्ज या भारीपन हो तो 3 ग्राम अजवाइन, 1 ग्राम काला नमक गुनगुने पानी के साथ दिन में 1 से 2 बार लें। नंबर पाँच, दांत में दर्द हो रहा है तो लौंग के तेल का फोहा दुखते हुए दांत पर रखें। नंबर छः, कान में दर्द होने पर लहसुन के गुनगुने रस की 2 से 4 बूंदे कान में डालें। नंबर सात, सर्दी और खांसी होने पर भुनी हुई हल्दी का 1 से 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ सेवन करें। नंबर आठ, आलू का रस निकालकर इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदे मिला लें और इस रस को चेहरे पर लगाएं और 10 से 15 मिनट लगा रखने के बाद चेहरा ठंडा पानी से धो लें। इससे आपकी त्वचा मुलायम भी नजर आएगी और उस पर निखार भी दिखने लगेगा और इससे दाग धब्बे भी हल्के पड़ते हुए नजर आने लगेंगे। नंबर नौ, अदरक और शहद का इस्तेमाल करने से आपकी सर्दी, जुकाम और गले की खराश दूर हो जाती है। नंबर दस, जब भी आपको लूज मोशन की शिकायत हो तो अनार और केला जरूर खाएं। नंबर 11, कब्ज की समस्या हो तो हरड़ चूर्ण को काले नमक के साथ दिन में 1 से 2 बार लें। नंबर 12, बुखार और खांसी की दिक्कत हो तो अदरक, काली मिर्च, पिपली या मुलेठी की बराबर मात्रा तथा तुलसी की 5 पत्तियों का काढ़ा बनाकर दिन में 1 से 2 बार लें। नंबर 13, संतरे के छिलके को धूप में अच्छी तरह सुखाकर पाउडर बना लें और इसमें मुल्तानी मिट्टी और बेसन मिलाकर फेस पैक तैयार करें और 10 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इससे चेहरे पर गजब का निखार आता है। नंबर 14, अपने भोजन में दही को शामिल करें। इससे आपका चेहरा तो खिलेगा ही, साथ ही गैस, लो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। नंबर 15, लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठकर काम करने से सेहत प्रभावित होती है। हो सके तो बीच बीच में उठकर कहीं घूम आए या फिर कोई अन्य काम कर लें। नंबर 16, शरीर और दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ग्रीन टी सहायक होती है। बाल बढ़ाने के दादी नानी माँ द्वारा बताए गए घरेलू उपाय। नंबर 17, 2 चम्मच ऑली ऑयल को 1 अंडे में मिलाकर बालों पर लगाएं और हेयर पैक की तरह लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें, फिर बालों को शैम्पू से धो लें। ऐसा करने से बाल शाइनी होंगे और दोहमुहे बालों की समस्या भी कम होगी। नंबर 18, सीका काई और सूखा आंवला में पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लें और रात भर के लिए भिगो कर रख दें और सुबह इस पेस्ट को सिर पर लगाएं, फिर 1 घंटे बाद बालों को धो लें और नारियल या बादाम तेल से सिर की मालिश करें। इस नुस्खे से बाल जल्दी लंबे और घने होते हैं। नंबर 19, सर्दियों में बालों की नमी खो जाती है, इसलिए बालों में डैंड्रफ और हेयर फॉल ना हो इसके लिए आप नीम की पत्तियों को पीसकर एक पेस्ट बना लें, इसमें दही मिलाएं और इसे सिर पर लगाएं और आधे घंटे बाद बालों को धो लें। नंबर 20, एक पैन में नारियल का तेल लें और इसे गर्म करके इसमें कुछ करी पत्ते डालकर तब तक पकने दें जब तक कि वे किनारे से जल न जाए और जब ये हल्का गर्म हो तो इसे अपनी स्कैल्प पर मसाज करें और रात भर लगा रहने दें और सुबह उठकर माइल्ड शैम्पू से सिर को धो लें। इस तेल को हफ्ते में 1 से 2 बार लगाएं। इससे आपके बालों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर 21, गुनगुने पानी में नींबू और शहद के साथ सुबह की शुरुआत करना एक बेहतर उपाय है। नंबर 22, फलों का सेवन जरूर करें, इन्हें खाने के बाद देर तक आपका पेट भरा रहता है। नंबर 23, मटके वाले से ज्यादा ठंडा पानी ना पिएं, इससे आपके आंत हमेशा ठीक रहेंगे। नंबर 24, जब भी आप खाना खाएं तो खाने को 32 बार जरूर चबाएं, इससे आपका वजन कम होगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी सदैव ठीक रहेगा।
नंबर 25। ताजा एलोवेरा जेल निकालकर उसमें नारियल तेल मिलाएं और इस मिश्रण से बालों की मालिश करें। 30 मिनट के लिए इसे अपने बालों पर लगाकर छोड़ दें। यह बालों को झड़ने से रोकने से और बालों को मुलायम बनाने में मदद करता है। नंबर 26। बालों को मजबूत बनाने के लिए और झड़ने से रोकने के लिए आंवला, रीठा और सीका काई का उपयोग करें। नंबर 27। सर्दी और खांसी होने पर भुनी हुई हल्दी का 1 से 2 ग्राम चूर्ण शहद के साथ सेवन करें। नंबर 28। आलू को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लें और इसमें चंदन पाउडर मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट तक लगाकर रखने के बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें, इससे चेहरे पर चमक आती है। नंबर 29। उल्टी की दिक्कत होने पर पानी में नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। नंबर 30। नाभि में चारों ओर दर्द हो तो चुटकी भर हींग चूर्ण को गुनगुने पानी में घोलकर नाभि के चारों ओर लेप लगा लें, इससे आराम मिलेगा। नंबर 31। खाने पर कम और पीने पर ज्यादा ध्यान दें और जितनी भूख हो उससे 1 रोटी कम खाएं ताकि खाना आसानी से पच जाए। नंबर 32। अगर आप स्वस्थ और चुस्त रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने सोने और जागने का समय सही करें। सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ें और ज्यादा रात तक ना जगें। नंबर 33। जितना हो सके थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। नंबर 34। रात को सोने से पहले 4 से 5 ग्राम सौंफ चबाकर खाएं और साथ ही गर्म पानी पिएं, इससे कब्ज की दिक्कत नहीं होती है। नंबर 35। भोजन में कद्दू का रायता खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। नंबर 36। भूख से कम और खूब चबा चबा कर खाने से भोजन आसानी से पच जाएगा और भूख की मंद अग्नि दूर होगी। नंबर 37। अगर लूज मोशन हो तो 5 ग्राम इसबगोल की भूसी 1 कप दही के साथ लें। नंबर 38। अगर सूखी खांसी हो तो 3 लौंग को घी में भूनकर मुख में रखें एवं चबाएं। नंबर 39। सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट योगा के लिए समय निकालें, इससे आप कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से दूर रहेंगे। नंबर 40। प्रतिदिन सुबह उठकर एक्सरसाइज करें या फिर तेज गति से पैदल चलें, इससे रक्त संचार तेज होता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।